हेलो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड थकेश के शो का सेकंड एपिसोड आ चुका है, हम आ चुके हैं देखने के लिए और आप लोगों को भी एपिसोड दिखाने के लिए। वेल, अगर अभी आप लोग बात करोगे मुझसे कि इसका फर्स्ट एपिसोड के ऊपर भी रिएक्शन लिख रहा हूँ तो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद, और साइमन भी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि थगेश भाई आप अपने खुद के शो पे रोस्ट हो गए। मैंने बोला भाई यहाँ पे जितना ताम झाम किया है, जितना खर्चा किया है ना, उसको रिकवर कराने के खुद को रोस्ट किया, भसम भी कर लूं। सो हमारा पिछला एपिसोड आपने देखा ही होगा, इतना वायरल हुआ ना कि उसके व्यूज मैच करने के लिए हमें इस बार 3 गेस्ट को बुलाना पड़ा। yes. तो जो हमारे पहले गेस्ट है वो एक गेमर है। इनके बारे में हमने सुना है कि इनके दोस्त इनके साथ ऑनलाइन गेम्स इसलिए खेलते हैं ताकि उन्हें फिजिकली ना मिलना पड़े। आपने तो सुना ही होगा, हम बोलते हैं कंटेंट में हमेशा रियल रहो, असली रहो। तो हमारी सेकंड गेस्ट जो है अपने व्लॉग्स में इतनी असली रहती है, इतनी रियल रहती है ना कि उनको बोलना पड़ता है थोड़ा फेक करो, थोड़ा ज्यादा रियल हो रहा है। एंड हमारे जो तीसरे गेस्ट है भाई, हमारे इतने अंडर रेटेड है, इतने अंडर रेटेड है कि अंडर रेटेड की अगर कोई लिस्ट होती ना उसमें भी अंडर रेटेड रहते। सो गाइस प्लीज वेलकम द न्यू पावर कपल ऑफ यूट्यूब इंडिया, मिथपैट उर्मिला एंड उनके कबाब में हड्डी हलगार तुम्हें हलगार साइमन सेज। लेकिन साइमन की और थगेश की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना, तो और भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ पता देखने के लिए। साइमन थैंक यू यार इतनी शॉर्ट नोटिस आने के लिए, मतलब मेरे वालों पड़ गया, तुम लोगों का काम धंधा नहीं। तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा क्या? देखा सपने में मिथिलेश नाम है मिथपैट का, एंड मिथपैट का भी एक शॉर्ट नाम है मिथ, जो कि इस बंदे को है कि वो अच्छा गेमर है। मिथपैट तूने पहले यूट्यूब GTA वीडियोस से भर दिया, फिर तूने यूट्यूब ब्लॉग से भर दिया, फिर भी तू जब नंबर वन ट्रेंडिंग पे नहीं आया तूने उर्मिला की मांग भर दी। थैंक यू। अभी उर्मिला की बात चल रही है तो उर्मिला पे आता हूँ। मैंने ऑनेस्टली सर्च किया गूगल पे हु इज उर्मिला, गूगल ने मेरे को सामने से पूछा तेरे को मालूम रहेगा तो मेरे को बता देना। उर्मिला यू डू गेमिंग ना? नो, मतलब थोड़ा खेल लियो। मेरे को भी लगा ये गेमर नहीं है, प्रैंकस्टर है, लोगों को गेमर बता के प्रैंक कर दिए। ज्यादा ब्रूटल तो नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बट यू आर एडिटर ना, इसका एडिट करती थी ना वीडियोस,
नहीं उसने एडिटर का बाकी दिन घर पे बैठ के ऐसी अभी अभी कुछ बहाने की जरूरत नहीं अभी क्या फायदा इतना अच्छा एडिटर होके वेडिंग फोटोज में साइमन को नहीं क्रॉप कर पाई बट ठीक है यार एक्चुअली बहुत गैप हो गया दो एपिसोड्स के बीच में भुवन वाले और इसमें है ना बहुत सारा गैप हो गया भाई इधर चूहे भागने लग गए थे बट आज कोई चूहा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे बीच एक सांप जो सांप समोसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइमन सेज चैनल का नाम है इसका एंड जिस हिसाब से इसका चैनल चल रहा है आई थिंक ही इज सेइंग बट नोबडी इज लिसनिंग जहां पर आप भी इंग्लिश फ्रेंच जर्मन स्पेनिश और 40+ लैंग्वेज सीख सकते हो वो भी बहुत इजीली साइमन तू पेट्रियोटिक है किसी ने तेरे को बोला है कभी तूने साइमन गो बैक नारे को बहुत सीरियसली ले लिया चैनल आगे ही नहीं जा रहा है जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है सब बोल दे अभी इसका शो है ना मैं रिस्पेक्ट से कुछ बोल नहीं रहा ये मेरे शो पे आएगा ना तभी लेता हूँ उसकी मिट पैड भाई तूने बहुत मेहनत की गेमर बना यूट्यूबर बना टाइम से अच्छे बच्चे की तरह शादी भी कर ली दाढ़ी कब बढ़ाएगा उर्मिला के किसी ब्लॉग में तेरे को शेव करते हुए देखना पड़ता था उर्मिला प्रैंक में दाढ़ी व्यूज आ रहा तो चल जाएगा उसके लिए कुछ भी करेगा उर्मिला को बीच में मुंह चाहिए थी तो मैंने वो शेव बट उर्मिला कैसा रहा एक्सपीरियंस शादी के बाद हनीमून की जगह सीधा कंटेंट बनाने जाना बहुत अच्छा लगा हाँ एक्चुअली या सच्ची मुझे कब से आई वाज वेटिंग कि कब शादी करके अभी घर पे जाके मैं कंटेंट बना रही हूँ और एक्चुअली बहुत ज्यादा काम किया अभी भी कर रहे हैं मतलब एक महीना नहीं ज्यादा काम कौन करता है मिथिलेश करता है ये सोचता है ये क्या करेगा काम करने के टाइम काम करेगा फिर कचरा क्रिएट करेगा ना कंटेंट करने के टाइम इधर ट्राइपॉड पड़ेगा इधर ऐसा कुछ तो पड़ेगा फिर एपिसोड जाएगा फिर वो कचरा कौन उठाएगा मैं उठाएगी आखिरकार यूट्यूबर ही है ना कंटेंट के लिए तो शादी बट ठीक है लोग साथ फेरे लेते हैं आपने शादी के साथ व्लॉग ले लिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया नेटफ्लिक्स को बेचेगा समझा लेकिन पूरे पूरे यूट्यूब इंडिया को कंटेंट दिया है इसकी शादी ने इसकी शादी में पायल जोन ने दिया है साइमन तेरी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्यूडीपाई को भाकरवाड़ी खिलाना कैसे हुआ भाई प्लीज मेरे को बता प्रोसेस वो अप्लाई करना पड़ता है सैड थिंग क्या है इसको पिछले 4 साल से लोग एक ही सवाल करते हैं प्यूडीपाई से कैसे मिला एक्चुअली साइमन को लगा कि प्यूडीपाई से कोलैब करके वो रिलेवेंट हो जाएगा बेचारा प्यूडीपाई रिलेवेंट हो जाएगा इसलिए तेरे साथ कोलैब कर रहा हूँ ना अभी नजरिए नजरिए की बात है देखो पर्सनली मैं तो सबको मीम की नजर से देखता हूँ और कंटेंट की नजर से देखता हूँ तो तुम लोग के लिए स्पेशली मैंने कुछ मीम्स बनाए हैं लेट्स सी पसंद आते हैं या नहीं प्ले करो व्हाट इफ यू वर अ मीम हेलो गाइस कैसे हो हेलो एवरीवन व्हाट व्हाट आपका मजा आएगा ना वीडियो यो जोगिंदर क्या करेगा तू पुत्र यार ये बोलते कसम गंगा मैया की तुमको तबाह कर दूंगा व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन बच्चे तेरे करोड़पति तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा मत एक धम तक प्यार करता मैं थूक क्यों रहा हूँ बहुत अमेजिंग
Anyways, next meme. अंदर से एकदम सॉफ्ट इंसान है इसका चश्मा इसकी चड्डी जैसा है निकल फोटो कैसा है भाई क्या अरे सोच रहा होगा मारने का मन कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा था ये बहुत अच्छा मैं प्यार तो करता था उनके साथ बट इतना भी नेक्स्ट मीम बहुत अच्छा था मीम दिस इज द बॉय से गुड मॉर्निंग वर्जिन सलाद ना डिटेल डायग्राम बताने की क्या जरूरत थी एक कहा ओके अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बट आई टेक इट अब इंडिया की स्पेलिंग बताओ मैं तो सीधा साधा इंडियन यूट्यूबर हूँ मुझे ये सब नहीं पता मजा नहीं आया I'm constipated मिंडिनाद तेरा आइडिया नहीं है चल चल इसमें साइकिल में रेस मैं जीता हूँ तो आइडिया किसका होगा इंडिया जी नेक्स्ट मीम हेलो ये क्या कर रहे हो मिथिलेश के गाल पे स्कीइंग कर रहा हूँ मुझे टेंथ में पूछा ही नहीं मैंने टेंथ में मतलब मेरे को 94 आया था मेरे को 90 आया था तेरे को कितना आया था अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तुम लोग कॉलेज में मिले थे ना हाँ जर्नी के बारे में बताओ ना तुम दोनों की डिपार्टमेंट है मतलब इसको सबको हमारा लव का कहानी बताने को बहुत पसंद है हम लोग 11-12 में मिले थे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे फ्रेंड ने इसे बोला कि इसका नाम मिथिलेश है करके और मैं हंस गई आई डोंट नो मैं क्यों हंसी ये फर्स्ट टाइम जब इसने मेरे को बेंच पे मतलब पीछे मुड़ के देखा पहली बार वो बोलते कि मैं जोकर जैसे दिखा फर्स्ट एवर जोकर बोला उसने जोकर या अब लग रहा है उसने पूरा बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है स्माइल करे तू टिकटॉक वाला जोकर तो फिर जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले सेकेंड सेमेस्टर में मुझे आई थिंक थोड़ा लाइकिंग चालू हुआ फिर मैं उसके लिए चॉकलेट्स बनाने लगी चॉकलेट्स वगैरह हाँ मतलब भाई बनाती नहीं थी चॉकलेट बनाती नहीं थी चॉकलेट मिलता है ना दुकान में जो चॉकलेट है उसको मोल्ड में डालती थी मेल्ट करके उसको नया शेप देके मेरे को बोलती थी ये चॉकलेट इसने बनाया चॉकलेट की तरह वो इम्पोर्टेंट फिर क्या हुआ स्टोरी पता है ये आई थिंक पता ही नहीं लोगों को 22nd इज द डेट जो इसने प्रपोज किया था 21st के नाइट को ये मुझे बता रहा था कि why relationship is good और मैं उसको बता रही थी कि relationship is not good और 22nd को उसने प्रपोज किया मैंने हाँ बोल दिया ये सब दुबला बने पर ठीक है
ठीक है अच्छा गया जो भी किया या फिर उसके बाद फिर अभी शादी हुआ शादी पे ओवरऑल फिर 100 मिलियन व्यूज आया YouTube प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में भी जाता है ने दहेज में व्यूज ही पूछा था सीरियस क्वेश्चन YouTube को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है आई मीन फ्यूचर प्लान अभी यही है कि ऐसे बड़े बड़े शोज पे आना है मुझे एंड अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं यही मेरे फ्यूचर प्लान है तो आजकल तो मैं बहुत कम गेम्स खेल रहा चैनल पे एंटरटेनमेंट वीडियोस ज्यादा बना रहा हूँ लेकिन मैं ढूंढता रहता हूँ कि नए नए गेम्स मिले मुझे कहीं से तो हाँ मैं भी एक्चुअली प्रीफर करता हूँ ऐसे गेम्स जिससे ब्रेन की एक्सरसाइज हो ड्यूओलिंगो ऐप पर ऐसी बहुत सारी मजेदार एक्सरसाइज है जो आप बस दिन के 10 मिनट यूज करो बस 10 मिनट खेलो ना तो आप नई लैंग्वेजेस सीख सकते हो एंड वही लैंग्वेजेस सीख के एक्सपर्ट बन सकते हो उनमें साइमन यार वेरी फ्यू पीपल नो के तेरे पापा लेजेंडरी हिंदी टीवी सीरियल के डायरेक्टर है एक्चुअली मैं वो सीआईडी भी डायरेक्ट करते थे हाँ तो मैं पहली बार मैंने किसी के मुंह से साइमन सुना तो वो शिवाजी साटम के मुंह से ही सुना था एसीपी तो मैं सेट पे गया था तो उन्होंने ही मुझे पहली बार साइमन बुलाया था तो तब से मेरे दिमाग में साइमन बैठ गया था तो बड़ा भी मेरे को विश्वास हो गया भाई हर आदमी नेपोटिज्म सक्सेसफुल नहीं होता है बहुत मस्त बात है अगर आप लोग को नहीं पता तो साइमन एंड मिथपैट कजिन्स है एक्चुअली रियली कजिन्स है लोगों को नहीं मालूम था यूट्यूब पे अभी भी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पहले किसी ने नहीं बोला है शायद मैं एक बार फैमिली इवेंट को गया था एंड वहां पे बच्चे बच्चे थे एंड कोई तो थे रिलेटिव्स वो बोल रहे थे हाँ एक और यूट्यूबर है हमारे फैमिली में और बोले साइमन दार तो साइमन दार तो भी सुना ही नहीं तो बोले अरे वो गया था इंटरनेशनल प्यूडीपाई को मिला था वो साइमन मेरा कजिन है तेरा रिएक्शन वैसे ही था कुछ जब तेरे को समझा मेरे बारे में साइमन कजिन है एक्चुअली रिवर्स नेपोटिज्म हुआ हमारा पहले पता नहीं था यूट्यूब की वजह से हमें पता चला कि कजिन से मैंने देखा कि तू भाई मिमिक्री मस्त करता है सो उर्मिला रिएक्ट टू दिस सेट कैसा होगा आई कांट बिलीव दिस क्या सेट है ओ माय गॉड साइमन साइमन का भी हेलो एवरीबॉडी दिस इज साइमन सेज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अंडरवेयर यूट्यूबर उधर तक ही देखा है ना मैंने उससे आगे अपने शो का एक थीम है एक शो में आपके लिए हमने एक अवार्ड रखा है थैंक यू डूड अभी नहीं इसको अर्न करना पड़ेगा ये सर्टिफाइड थग का अवार्ड है जिसका भी थगनेस बाहर आएगा ना उसको ये मिलेगा yes. मेरी तरफ से ओके तो तेरा कुछ स्टोरी तरकता बढ़कता कुछ एक्चुअली आई हैव अ स्टोरी स्कूल में मैं बहुत बुली हुआ हूँ वैसे मैं तो बहुत हुआ हूँ सब हम मतलब ऐसा है कि यूट्यूबर्स ना सब बुली होती है स्कूल तभी फिर समाज छोड़ के मैं बहुत बुली हुआ स्कूल में एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी एक बंदा था जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरे को स्कूल में एंड बीच में दिस इज फ्यू मंथ्स बैक मैं ऐसी कहीं पे तो जा रहा था एंड मुझे वो मिल गया रास्ते में एंड उसने मेरे साथ सेल्फी लिया तो वो मोमेंट था मेरे लिए कि इसने मेरे साथ सेल्फी लिया भी हो गया मेरा नहीं उसके पास एक होगा स्टोरी तब तक आ ही जाएगा कुछ ना कुछ साइमन तेरा कुछ थग लाइफ स्टोरी बता दे अब इसने तो बता ही दिया है थग लाइफ स्टोरी 2 साल पहले थगेश ने उसके सेकंड चैनल पर मुझे रोस्ट किया था और आज मुझे अपने मेन चैनल पर थगेश शो में बुला रहा है इससे बड़ा थग लाइफ मोमेंट और क्या हो सकता है सही खतरनाक बहुत टफ कंपटीशन है थगनेस में स्टोरीज अच्छा था का बहुत फालतू का स्टोरी मेरा सबसे बेस्ट अच्छा था क्या बट सिर्फ एक को मिलेगा आई एम सो सॉरी एंड द विनर फॉर बेस्ट थक स्टोरी एंड जिसको ये सर्टिफाइड थक का ग्लासेस मिलेगा इज विद बैट सो सॉरी साइमन मैं ही हूं ना थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है ये लास्ट एपिसोड पहले एपिसोड देखा ना भुवन का कितना <laughs> <laughs> <laughs>
साइमन बाकी टिमोथी कैसा है? लाया दिखा नहीं मेरे को? नहीं लाया मैं उसको, पर्सनल है, ही इज माय एक्स, आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट नाउ कैमरे पे। सही है, बट मैं नहीं रखता असिस्टेंट, असिस्टेंट कैसे, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त काफी है, देखो इधर एक बैठा है ना, डुओलिंगो नाम लेता हूँ ना तो ये हाजिर हो जाता है। एक्चुअली इसी ने मेरी स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है, आप भी यूज कर सकते हो एंड इससे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, एनीवेज मजा आया बहुत ज्यादा। क्या खत्म कर रहे हैं, मेरे को वो करने का था, तू तेरा और साइमन का वो इतने टाइम से राइवल थे, तो मैंने डिसाइड किया कि आज शो पे हम थगेश वर्सेस साइमन पंजा करने आ गए। करना है, रुक जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पंजा हम लड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट में, लेवल अप मामला शिफ्ट होएगा, अभी डरता है सलाह डरता नहीं है यार, चलो होएगा। वेलकम टू लेवल अप, हम लोग आज सिंपल सा गेम खेल रहे हैं तुम लोग के साथ, वर्ड वॉर, खेला होगा देखा होगा नहीं खेला। इसमें हाथ डालना है, एक चिट्ठी आएगी आपके हाथ में, ठीक है, उसमें एक वर्ड होगा, वो वर्ड से रिलेटेड आपको दूसरा वर्ड बोलना है। सपोज मिथपैट बोला, हाँ। मैं बोलूंगा गेमिंग, हाँ। गेमिंग से क्या ध्यान में आ रहा है? गेमिंग से, हाँ, टेक्निकल गेमर, ठीक है टेक्निकल गेमर, तो सब समझ गया ना गेम, बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसके नीचे एक टास्क लिखा होगा, वो टास्क करते करते ये चीज करना, सिंपल सिंपल से टास्क की कोई जरूरत नहीं। एक और ट्विस्ट है, और एक, हाँ, टाइम लिमिट होगा, अगर वर्ड याद नहीं आता है 30 seconds का टाइम लिमिट होगा, वर्ड याद नहीं आता ना तो एक डेयर भी होगा, मस्त सिंपल सा, चलेगा ओके, शुरुआत करते हैं हम, चलेगा उर्मिला, यस, टास्क भी करना है ना उसको, हाँ देख, एक फीट पे हॉप करते करते ये वर्ड बोलना, हॉप ऑन वन फीट, वर्ड है मैरिज, साइमन सोच मत मेरी बाइक को, दोनों को एक पैर पे हॉप करना है, टाइमर है 30 seconds का, टाइमर स्टार्ट नाउ, मैरिज, मिथपैट, उर्मिला, मिथपैट, उर्मिला, चलेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं, व्लॉग, टेक्निकल गुरुजी, सौरभ जोशी बोल रही थी व्लॉग के लिए, साइमन टाइम जा रहा है, टेक्निकल गेमर, अरे मैंने वो ही बोला, नहीं तूने टेक्निकल गेमर बोला, ये क्या चीटिंग कर रहा है, ओके, 5, YouTube साइमन, 4, क्रिंज, 4, क्रिंज, मिथिलेश बोल दे, नहीं तो मैंने बोल दी मैंने, उर्मिला यार ठीक है तेरे को ही करना है डेयर, मेरे को बुरा नहीं लग रहा, ये डेयर का बाउल है, एक डेयर निकालो, भगवान अच्छे वाली डेयर हो यार, प्लीज Speak in British accent till the game ends. ये तो British accent है। उन्होंने London में सिखाया है मेरे को। Yeah, yeah, you did teach me the accent, right? कैसे बोलेगा? British कुछ भी। चलेगा, try करो, उसमें ही तो मजा है। Yes, sir. गार्ड को पता है British के लिए। Next, Mithpat. Yes. आ जाओ मैदान में। मैं वही मैदान में हूँ। इसको वजन ही नहीं है। Do it. एक निकाल। Height देख के बात कर सकता है ना? मैं already जीतने आ रहा इधर आ। Height देख के। नहीं बोल। कैमरा पे दिखा देते हैं एक बार कौन, ठीक है देखिए समझा ना, लेट्स गो, चुप रे, ट्राइंग माय ब्रिटिश एक्सेंट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ओके, वर्ल्ड वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग्स, टास्क रब योर बेली टैप योर हेड, वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग्स गाने, मतलब गाने हैं नहीं, हाँ कोई भी गाने ऐसे, अच्छा वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग, लेकिन याद रखना है हेड को टैप करना है, बेली को रब करना, तो गाते रहने का, अलग नहीं होना चाहिए, नो हेड रबिंग नो बेली टैपिंग, हेड को टैप बेली को रब, हाँ, 1 2 3 स्टार्ट, टिंगी 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 टिंगी, बाजीगर मैं बाजीगर, मैं बाजीगर, सबसे गलत सबसे अफरी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, रावाचे बावाचे हो दो लोग तो मैंनु मैंनु ना रोके, मेरे डोले चिवाई आदी मैंनु तो देते हो क्यों ही, और 1 3 दिल 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 ये मेरा समझ कितना दिल है, ट्रेंड हो रहा है, एक्ट अ सीन ऑफ अ मूवी विथ नो डायलॉग्स, एक्ट सीन ऑफ अ मूवी विथ नो डायलॉग्स, ठीक है
ओम शांति ओम। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। थैंक यू साइमन, आपका चांस। वर्ड बिग बॉस, टास्क इज डोंट टच योर लिप्स। सो ऐसे बोलना है रिपीट नहीं होना चाहिए। कैमियो का मीनिंग नहीं मालूम, बोलना सब वन। अरे ये सलमान खान ने पठान में कैमियो किया। तो वापस वो नेम कैसे बोल सकती फिर? वन मिनट फ्री स्टाइल रैप। मिथिलेश बीट टू बीट्स दे। आज मैं आई थगेश के शो पे। हम लोग ने बहुत सारा फन किया, दोस्त किया और साइमन का फुल टाइम मजाक उड़ाया। फिर बहुत सारे गेम्स खेले, थोड़ा राइट भी कर जिसमें और कुछ तो राइज कर। कुछ नहीं यार, ना इसके लिए मैं कुछ भी बोलती। अभी बोलती कर, राइमिंग कर तो इसलिए मैं डोलती। ये था मेरा फ्री स्टाइल रैप, हो गया खत्म। जो सबसे पूरा बहुत क्रैक। नॉट बैड बिकॉज़ ऑफ साइमन ने बीट दिया इसके से। तो नहीं किया उसने, अच्छा किया। ओके वर्ड जुगनू टास्क बॉक्सिंग। जुगनू पे क्या? 3, 2, 1 गो। जुगनू, मजनू, नाना पाटेकर, लैला, अरे मार लो उसको अच्छे से। अनिल कपूर, बार 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 बंदे कपूर। नाची क्या था उसका? नाची नो है। 2 नाची नायक नाची के लिए नाची 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 नायक 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 Call your YouTuber friend and ask for 5 lakh rupees without giving any context. Oh, the best for the last. Yes. मेरे सारे YouTube friends तो इधर ही हैं और किसको फोन? Okay, अभी तेरे को call कर रहा हूँ। नहीं उठाया तो ये disconnect। नहीं नहीं नहीं, फिर दूसरा YouTuber। Seriously बोलना एकदम। इतने रात को तो नहीं उठाएगा। Another slip point. हाँ, वो I think वो होती है कभी-कभी। Okay, गौतम को try करते। इसका कोई phone उठाना नहीं, कोई इज्जत नहीं है। Hello. Hello. Hi. हाँ, अच्छा जरा सुन नहीं। ये है request है। हाँ बोल। पता नहीं कैसे पूछूं, but मजबूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ, you know मतलब ऐसे मैं कर मतलब मजबूरी इसलिए ही कर रहा हूँ ना। पॉइंट पे आते, आई नीड 5 lakh rupees, थोड़ा सा इमरजेंसी है लाइफ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि और किसको फोन कर सकता हूँ रात को 12:30 बजे। तो अरे तो मैंने, यार, वो तो बता। इट इज अ पर्सनल थिंग, यू नो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट नाउ। अच्छा, यस, आई होप यू अंडरस्टैंड। If you're not telling me, then I don't know what to understand, but I trust you, so it's cool. Okay, yes. Actually, Gautami, hi. Hello. Hi. Hello. This is Thagesh from the Thagesh Show. Simon ko humne dare diya tha. Baki kuch hua na hua ho. Hey, Gautami to actually usko deti 5 lakh rupaye. Nahin, you passed the friendship test. Yes, अरे गौतमी पता नहीं था यार, मैं पहले ही मांग देता कभी। थैंक यू। मेरे पास कुछ हैम्पर्स है तुम लोग के लिए। यस, प्लीज हैम्पर लाए जाए। गिफ्ट्स, ओह थैंक यू बेस्ट सो मच उर्मिला। थैंक यू थैंक यू सो मच साइमन के लिए भी लाया। साइमन ऑफकोर्स थैंक यू। आज से तुम लोग अपनी दोस्ती कर दो। इसके अलावा और भी थोड़े गिफ्ट्स हैं मेरे पास। साइमन, कॉन्टैक्ट लेंसेस आपके लिए। थैंक यू। अच्छा चश्मा ना पहने। जीरू सोडा आपके लिए। ए साइमन अभी पीना पड़ेगा। रेजर आपके लिए। क्या करूं वैसे ना। उर्मिला, गले का पट्टा आपके लिए जिंदगी भर ऐसे देखना जो वेरी
हर्टफुल गिफ्ट, राइट? हर्टफुल. मुझे लगा वो कुत्ते का गले का बटन दे रही इसके लिए, वो भी दे सकते थे. थैंक यू सो मच गाइस, एंड डाउनलोड करना ना भूले डुओलिंगो ऐप, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप. मस्ट लैंग्वेज सीखो. यस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बाय बोल रहे अभी. बाय बाय, पीस आउट, सब्सक्राइब. एक जंगल में एक ही टाइगर है, उसको ये लाइन बोलना था, नहीं तो उसको क्या पढ़ा है तू थाने में आ ओके पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि दिख रहा है, मेरी ये एक आंख जो है ना रेड हो गई. मुझे नहीं समझ में आया कि उसके अंदर क्या चुभन हो रही है, और बहुत ठंडी ठंडी सी हो रही है, और थोड़ी सी हल्की हल्की सी जलन हो रही है. बल छोड़ो, वीडियो इतना मजेदार था, इतना मजेदार था ना, मैं उसका क्या ही बताऊं. ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ठीक है, साइमन जानबूझ के वैसा कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टिंग वाला है तो जानबूझ के थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये सारी चीजें. लेकिन उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, और उसने थगेश के शो के लिए हाँ भी बोला. मुझे उसका थग लाइफ वाला वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा. ठीक है, एंड मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद से ना थगेश थोड़ा सा उसके ऊपर नाराजगी दिखा रहा है, शायद शायद या वो स्क्रिप्ट में होगा वो चीज. ठीक है, एंड एज यूजुअल एपिसोड वन की तरह ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजेदार है सेकेंड वाला भी, एंड मैं थर्ड वाले का वेट कर रही हूँ. और इतने मस्त मस्त ट्विस्ट बनाई है, कैसे कैसे ना. चलो, रब जी मेहर रखे सब पे. तो चलो जी, जाती हूँ मैं. अगर आप लोगों ने इतना एंजॉय किया है जितना मैंने किया है, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, साइमन के फैंस के साथ में, मिथिलेश के फैंस के साथ में, एंड थगेश के फैंस के साथ में भी. एंड मुझे यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और मुझे कॉमेंट्स करना शुरू करना है. मेरे सेकेंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जाकर विजिट करें, एंड वहां पर भी थोड़ा सा प्यार बरसाएं, एंड वहां पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और कोई एडवाइस हो तो प्लीज वहां पर कॉमेंट करके बता देना. ठीक है, एंड मुझे यहां तक देखने के लिए हमेशा की तरह रियली थैंक यू सो मच गाइस. तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक कुछ ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय. 'Cause there's so many things left to explore.